सो गाइस, अभी जा रही हूँ, मेरा मेकअप कर रहा, तो मैंने कहा थोड़ी सी वीडियो शेयर कर देती हूँ। जैसा कर मैं जा रही हूँ, सबसे पहले मैं लगा रही हूँ लड़कियों का मॉइस्चराइजर, क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइट वेट होता है और गर्मियों के हिसाब से बहुत बेस्ट होता है। पहले तो मैंने सोचा था सैड ना करूँ, बट मैंने कहा मैं क्रिएट कर लेती हूँ एक मेकअप लुक, क्रिएट तो करना था मेकअप लुक, एक वीडियो शूट कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत दिन से मेकअप की मेरी वीडियो भी नहीं जा रही है, सभी को पता है। और बिल्कुल मैं कम प्रोडक्ट से करूँगी, क्योंकि मुझे बहुत हैवी, बहुत लेयरिंग। गाइस यहाँ पे क्या हुआ ना कि आपने देखा स्टार्टिंग में आवाज़ कितनी खड़खड़ खड़खड़ सी कर रही है, क्लियर बिल्कुल ही नहीं है। वैसे तो मैंने कहा था मुझे वॉइस ओवर नहीं करना है, तो फिर अब करना पड़ रहा। तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का फाउंडेशन, और ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, न्यू लॉन्च हुआ है, इसकी पैकेजिंग बिल्कुल न्यू है। तो मैंने कहा चलो ट्राई करती हूँ, सारी कुछ अच्छे से मैंने डिटेल में बताया था पढ़ के, बट वही है ना कि आपको समझ में नहीं आता। तो मैंने कहा चलो दिखाती हूँ, थोड़ी सी क्वांटिटी में लूँगी आप लोगों के सामने, जस्ट देखिएगा। और इसकी कवरेज आप खुद बताइएगा कैसी है, लास्ट में मैं बताऊँगी। इतनी ही क्वांटिटी में ली हूँ और इसको अच्छे से मैं ब्लेंड करूँगी। हाँ, इससे पहले मैंने लगाया था मॉइस्चराइजर, और मैं आप लोगों को दिखा रही जो है कलर का प्राइमर, बट मैंने यूज़ नहीं किया क्योंकि मेरी आदत सी हो गई ना सिर्फ मॉइस्चराइजर लगा के फाउंडेशन लगाने की, तो वही वाला है। तो इसलिए मैं आपको बता रही थी कि मैंने प्राइमर नहीं लगाया है, लाई हूँ बट लगाई नहीं, मन ही नहीं किया। अब इसको मैं जल्दी जल्दी से ब्लेंड करूँगी, इसकी कवरेज। अच्छा आप बताओ, मैं बताने जा रही थी लास्ट में बताऊँगी कि इसकी कवरेज कैसी है, कितनी देर तक चलेगी, क्या है क्या नहीं, प्रॉपर चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। और शेड मैं आपको बता दूँ, शेड मेरा 230 की 220 ऐसे करके कुछ शेड है, मुझे याद नहीं है, लिंक दे दूंगी आप देख लीजिएगा। क्योंकि जो मेरा पहला वाला था शेड वो मेरा शायद था 310, और ये जो न्यू पैकेजिंग में आया इसका शेड अलग है ना, दोनों का शेड अलग अलग है। 330 जा रहा था इसमें, जो बहुत ही ज़्यादा मेरी स्किन टोन से डार्क जा रहा था। तो मैंने कहा चलो तुक्का मार के मंगाती हूँ, सांवली स्किन वालों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है ना कि कौन सा शेड मैच करता है कौन सा नहीं। तुक्का मार के मंगाया था फर्स्ट बार ये ला, क्योंकि जस्ट अभी लॉन्च हुआ, आपको पता है ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, तो अभी मैंने लिया भी नहीं था, बट मेरी स्किन टोन से बिल्कुल परफेक्ट है। और जिसकी स्किन टोन मेरी स्किन टोन से है तो वो इजिली ट्राई कर सकते हैं, शेड लिंक के थ्रू जाके ले लीजिएगा। तो मैं आपको बता दूँ इसकी कवरेज बहुत अच्छी है, मीडियम टू हाई कवरेज है, और इसको बहुत जल्दी ब्लेंड करना होता है। और थोड़ी सी क्वांटिटी में देखिए कितनी अच्छी खासी ये कवरेज दे दिया। अब मैं यहाँ पे कोई भी हाईलाइटर, कोई भी ब्लशर, कुछ भी, सॉरी हाईलाइटर कह रही हूँ, कोई भी कंसीलर कुछ भी नहीं लगाऊंगी अलग से। अब देखो कितनी अच्छी खासी से मुझे कवरेज मिल गई ना। और इसके अलावा इसके ऊपर कुछ अलग सी लेयर फाउंडेशन भी फिर से नहीं लगाऊंगी, तो बस इसको अच्छे से ब्लेंड आउट कर लूँगी। उससे पहले मैं थोड़ा सा नेक पे लगाऊंगी, नेक के लिए तो मुझे लेना ही पड़ेगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है अगर आप मेकअप कर रहे हो ना, तो प्रोडक्ट को मत बचाओ, ईयर में यानी कि कान में और नेक में यानी गले में ज़रूर लगाइए, क्योंकि आपका फेस, गला और यानी कि चेहरा, कान, गला सब सेम दिखे, डिफरेंट ना लगे, वरना फेस अलग सा गुला गुला सा नज़र आएगा कि हमने कुछ पुट्टी वगैरह फेस पे लगा लिया ना। तो जितना आप फेस पे लगाओ उतना आप नेक वगैरह पे भी लगा लो बस। अब मेरा ऑल टाइम फेवरेट मेबलिन का कॉम्पैक, और ये जो इससे पहले जो मैं कॉम्पैक यूज़ करती थी ना, वो इतना मतलब क्या मैं बोलूँ, पाउडर नहीं था, मतलब अच्छा है अभी भी अच्छा, लेकिन जैसे आप उसको ब्रश को ना पाउडर में टच करोगे इतना सारा उभर कर निकल आता है कि कंट्रोल करने में दिक्कत होती है। इसलिए आपको सबसे पहले पाउडर को लेना, हल्का सा डब करना यानी कि कहीं पे झाड़ना, फिर फेस पे अप्लाई करना है, क्योंकि बहुत सारा आ जाता है। पहले ऐसा नहीं था, बट ये वाली जो न्यू पैकेजिंग आई है इसमें ऐसा है। तो अभी मैं यूज़ कर रही हूँ जो है मेरा हाफ एंड हाफ का आईब्रो पेंसिल, और ये भी काफ़ी बजट में अफोर्डेबल काफ़ी अच्छी है, ब्राउन शेड मैंने मंगाया है। तो बस जल्दी जल्दी से सेट करूँगी, और जब भी मैं अपनी आईब्रो को सेट करती ना मुझे याद आ जाता है उनकी बातें, वो जो बोल रही थी ग्रोथ नहीं है, आगे से कट लगा दिया और फिर बोल रही ग्रोथ नहीं, यार आगे से जल्दी कोई कट नहीं लगाता, ऊपर से नीचे से साइड में शेप देता है बट आगे से नहीं, एक में आगे से मेरे कट लगा हुआ है। तो क्या ही बोलूँ, बस वही है ना कि मैं जल्दी किसी को बोलती नहीं, मेरा मूड बहुत जल्दी ख़राब होता है और बहुत जल्दी ठीक भी हो जाता है, तो मेरे साथ ये चीज़ें होती रहती हैं। तो जस्ट बस फटाफट से हम अपनी आईब्रो को सेट करेंगे, ये देखिए। और हाँ, इस टाइम मैं होटल में ही हूँ और मुझे नींद नहीं आ रही, क्योंकि ये लगता ना कि चलो अच्छा लगेगा वहाँ, और बच्चे लोग सो रहे थे तो मैंने कहा चलो सो लेते हैं, तब तक मैं रेडी वेडी हो जाती हूँ। हस्बैंड जी उठ गए थे जिस टाइम में मैं रेडी हो रही थी, तो बस यहाँ पर फटाफट से रेडी हुई मैं। और मेरी बहुत सारी चीज़ें ना घर पर छूट गई थी, जैसा फेस वॉश
और नाइट शूट बहुत दिक्कत हो गई थी मुझे तो। यहाँ पे मैं लगा रही फेसेस कनाडा का काजल, जो मेरा ऑल टाइम फेवरेट है, काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है, काफ़ी अच्छा है, बजट में है और काफ़ी लंबे समय तक चलता है। अगर आप कोई अच्छा काजल ढूंढ रहे हो तो इसको मैं ज़रूर ज़रूर से रिकमेंड करूँगी कि आप ट्राई कर लेना। बाकी आप देख लेना अगर आपको जो पसंद है आप लगाते हो। अच्छा, मैं सोच लेंगे कि मैं आई शैडो लगाऊँ या ना लगाऊँ। उस टाइम में मैं कन्फ्यूज थी कि मैं लगाती हूँ या नहीं लगाती हूँ, क्योंकि मेरी जो साड़ी थी वो ब्लैक थी और इयररिंग्स मैं लाई थी सिल्वर कलर की, तो समझ में नहीं आ रहा था। और आई शैडो में सिल्वर बहुत कम, सिल्वर था ही नहीं उसमें, जो था ना वो ग्रे सा आ रहा था, तो मैं कन्फ्यूज थी। मैंने कहा चलो लास्ट में देखती हूँ, इसी वजह से मैं आईलाइनर नहीं लगाई हूँ। तो यहाँ पर मैं दो शेड की लिपस्टिक लगा रही हूँ जो है मेबेलिन की ही, अभी मैं आपको फ्रंट कैमरे से बता रही हूँ। ये है 20 सो बस लिपस्टिक का शेड मैंने आपको बता दिया, एक तो 120 एक है 20। तो अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो मैं वॉइस ओवर में बता दे रही हूँ। तो फटाफट से हम लिपस्टिक अप्लाई करेंगे और इसके बाद बिंदी लगाएंगे और बस ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी, साड़ी वेयर करूँगी और निकल जाऊँगी। हाँ, मैंने शुरुआत में क्या बोला है कि सब सो रहे हैं, सब नहीं सो रहे, बाबू सो रहा है, सबको सुला दी मैं। तो बस यहाँ पे हमने लिपस्टिक अप्लाई कर ली है और इसके बाद मैं रेडी वेडी होंगी, फिर आप लोगों को पूरा फाइनल लुक अपना दिखाऊंगी, दोनों अच्छे से सेट कर लूँगी लिपस्टिक को, ठीक है। ये रहा मेरा पूरा लुक, कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, क्योंकि अलग से मैं कोई वीडियो शूट नहीं कर पाई थी, जो है शेयर कर दे रही हूँ। और अच्छे से देखना तो